आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारी टीम में एक नया बंदा आ गया है जिसके नाम से बच्चे रात में सो नहीं पाते, जिसको पुलिस आज तक पकड़ नहीं पाई। नाम तो आपने इनका पहले सुना होगा, ये हैं जेफ द किलर। मैं बचपन से ही खूनी हूँ और पुलिस आज तक ये नहीं पता कर सकी कि मैं भाग करके छुपता कहाँ हूँ। मगर फिर एक पुलिस वाली आई और उसने सारा गेम खराब कर दिया। मुझे उसको हर सूरत में मारना है। क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? मैंडी नाम है उसका। अकेले नहीं है, लतीफा फैमिली इसके साथ है और जब भी इनमें से कोई एक मुसीबत में होता है तो ये एक दूसरे की मदद करते हैं, इसीलिए आज तक हमसे बचे हुए हैं। अगर ये हमारे रास्ते से हट जाएं तो हमें बहुत आसानी होगी। जेफ, अपना दिमाग इस्तेमाल करो और कोई अच्छा सा प्लान बताओ इनको हमारे रास्ते से हटाने का। जेफ, लतीफा फैमिली अपना घर छोड़ करके कहीं और चले गए हैं और उस नए घर के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। मेरे पास एक आइडिया है, हमें सबसे पहले मैंडी को टारगेट करना चाहिए। एक बार मैंडी काबू में आ गई तो फिर देख लेंगे कि लतीफा फैमिली के साथ क्या करना है। अरे जेफ, शायद तुम भूल रहे हो कि मैंडी पुलिस में काम करती है। उसको टारगेट करेंगे तो वो अपने साथ पुलिस फोर्स लेकर के आएगी। मैंडी को मारना इतना आसान नहीं है, अगर होता तो क्या हम अब तक नहीं मार चुके होते? जेफ द किलर ने कुछ सोचा और फिर बोला, मैं कल शहर में हमला करूंगा और मैंडी और पुलिस वालों के आने से पहले वहां से भाग जाऊंगा। तुम लोग वहीं छुपे रहना, फिर मैंडी का पीछा करना। हो सकता है हमें पता चल जाए कि मैंडी ने लतीफा फैमिली को कहां छुपा करके रखा है। बताओ कैसा है मेरा आइडिया? जेफ द किलर का आइडिया सबको पसंद आया। ग्रैनी ये सोच रही थी कि जेफ है तो पागल मगर दिमाग बहुत चलता है। मैं हूँ प्रोफेसर तारा और करने जा रहा हूँ एक्सपेरिमेंट नंबर 112 और मुझे उम्मीद है कि इस दफा मैं इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाऊंगा। तो आइए देखते हैं। ये हैं प्रोफेसर तारा। इनको एक्सपेरिमेंट्स का बहुत शौक है और अभी जो ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उससे छोटी सी चीज को बड़ा किया जा सकता है। तो देखते हैं कि ये एप्पल बड़ा हो पाएगा कि नहीं। सेब के ऊपर तीनों तरफ से श्वाएं पड़ रही थीं। फिर उसके बाद प्रोफेसर तारा ने श्वाएं को बंद किया और फिर करीब जाकर के देखा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, आखिरकार मैं अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गया। प्रोफेसर तारा का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, उनका सेब बड़ा हो चुका था। अगले दिन सुबह सुबह मैंडी और लतीफा फैमिली डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे। फिर अचानक से मैंडी का फोन बजा। ये पुलिस चीफ की कॉल थी। मैंडी ने फौरन से फोन उठाया। जी सर, प्रोफेसर तारा के पास? ठीक है सर, मैं फौरन से वहां पर पहुंचती हूँ, आप फिक्र नहीं करें। स्वीटू ने मैंडी से पूछा, मैंडी आप कहाँ जा रही हैं? मैंडी ने कहा, मुझे पुलिस चीफ ने प्रोफेसर तारा की सिक्योरिटी के लिए बुलाया है, उन्होंने कोई बहुत ही ज़बरदस्त तजुर्बा किया है। टूटू ये बात सुनकर के बोला, मैंडी प्रोफेसर तारा के तो मैं और स्वीटू बहुत बड़े फ़ैन हैं, वो बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें बनाते हैं, क्या हम आपके साथ जा सकते हैं? दादा गुस्से में बोले, अरे मैंडी काम पे जा रही हैं, कोई तफरी करने थोड़ी जा रही हैं, जो तुम दोनों भी साथ जाना चाहते हो। मैंडी ने कहा, दादा कोई मसले की बात नहीं, मैं इनको अपने साथ ले जाती हूँ और फिर थोड़ी देर में वापस घर छोड़ दूंगी। ये सुनकर के टूटू और स्वीटू दोनों खुश हो गए। एक तरफ मैंडी सुबह सुबह जॉब पे जा रही थी और दूसरी तरफ रॉड, ग्रैनी, मिस्टर मीट, जेसन, ग्रैंडपा, जेफ के प्लान के मुताबिक सुबह सुबह शहर की तरफ हमला करने के लिए जा रहे थे। प्रोफेसर तारा की लैब में न्यूज रिपोर्टर्स कैमरामैन के साथ उनका एक्सपेरिमेंट देखने के लिए आए हुए थे। मैंडी टूटू और स्वीटू के साथ वहां पहुंच चुकी थी। मैं आप सबका यहाँ आने का शुक्रिया अदा करता हूँ और अभी मैं आप सबको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है? प्रोफेसर तारा बहुत खुश लग रहे थे। उन्होंने फौरन से जाकर के अपनी मशीन पर बटन दबाना शुरू कर दिया ताकि वह एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकें। इस दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट केले के ऊपर करेंगे। केले के ऊपर तीनों तरफ से श्वाएँ पड़ना शुरू हो गईं।
फिर वाकई वैसा ही हुआ जैसा प्रोफेसर तारा ने कहा था। केला देखते ही देखते अपने साइज से कई गुना बड़ा हो गया। ग्रैनी अपने साथियों के साथ शहर में पहुंच चुकी थी। जेफ गाड़ी से उतर गया था। ग्रैनी ने उसको कहा, जेफ ये जगह ठीक है, तुम अपना खेल शुरू करो, हम तुम्हें देखते रहेंगे, चलो रॉड यहाँ से। जेफ अब शहर में हमला करने के लिए रेडी था। प्रोफेसर तारा के एक्सपेरिमेंट को देख करके सब बहुत खुश हो रहे थे। प्रोफेसर तारा बोले, आप लोगों के पास कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। एक बंदे ने पूछा, मेरा सवाल ये है कि ये जो चीज आपने इजाद की है इससे आम आदमी को क्या फायदा पहुंचेगा? प्रोफेसर ने जवाब दिया, मेरी इस मशीन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कभी कोई भूखा नहीं रहेगा, छोटी सी खाने की चीज बड़ी हो जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खा सकें। मैंडी ने पूछा, ये बताइए कि आपकी मशीन जिंदा चीज यानी लिविंग थिंग को भी बड़ा कर सकती है क्या? प्रोफेसर तारा ने कुछ सोचा और फिर बोले, मैंडी बहुत ही अच्छा सवाल है तुम्हारा, मैंने अभी तक ये एक्सपेरिमेंट किसी जिंदा चीज पर नहीं किया है क्योंकि मुझे लगता है कि ये तेज शुआएं किसी को मार सकती हैं। शहर में खौफ फैल चुका था, लोग डर के मारे चीखे मारते हुए भाग रहे थे। जेफ ने दो लोगों की जान ले ली थी। जेफ इधर उधर देख रहा था कि किसको मार सके। फिर उसको सामने कोई नजर आया, उसने बोला, अब मैं तुम्हें मारूंगा। सामने खड़ा हुआ शख्स पुलिस को फोन कर रहा था। जेफ द किलर को अपनी तरफ आता देख करके उसने फौरन से फोन बंद कर दिया। जेफ उसके करीब आया और बोला, तुम पुलिस को कॉल कर रहे थे ना? नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं कर रहा था। तो करो और बताओ कि जेफ शहर में आ चुका है। प्रोफेसर तारा का एक्सपेरिमेंट देखने के बाद सब वापस जा रहे थे। टूटू प्रोफेसर तारा को थैंक यू कह रहा था कि उन्होंने परमिशन दी कि इनका एक्सपेरिमेंट देख सकें। प्रोफेसर बोले, अरे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, मैंडी का दोस्त समझो मेरा दोस्त। ठीक है अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी बहुत से एक्सपेरिमेंट करने हैं। ओके बाय। प्रोफेसर तारा वहां से चले गए। उसी वक्त पुलिस चीफ की कॉल मैंडी के पास आई। मैंडी ने फोन उठा करके बोला, हेलो सर, क्या जेफ ने शहर पे हमला कर दिया है? ओह नो, मैं फौरन से आती हूँ, आप परेशान नहीं हो। मैंडी ने पलट करके पुलिस वालों को बोला, अरे जेफ ने शहर पर हमला कर दिया है, हमें फौरन से जाना होगा, तुम लोग निकलो मैं आती हूँ। स्वीटू ने मैंडी से पूछा, मैंडी आप पहले हमें घर छोड़ देंगी ना? मैंडी ने कहा, नहीं बेटा अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, आप लोग मेरे साथ रहिएगा, आप दोनों को कुछ नहीं होगा, मैं इस दफा जेफ को किसी सूरत में भागने नहीं दूंगी।